हेलो फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अलग अलग ब्रांड के दो पॉपुलर स्मार्टफोन, एक तरफ वीवो का Y200 5G और दूसरी तरफ ओप्पो A79 5G, इन दोनों स्मार्टफोन के अगर प्राइस की बात करी जाए तो ओप्पो A79 5G को 1999 रुपये की प्राइस में 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरियंट को बाई कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ वीवो के Y200 5G को 21999 रुपये प्राइस में 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन में 2000 रुपीस का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि 2000 रुपीस ज्यादा खर्च करके Vivo Y200 5G को लेना सही रहेगा या फिर 2000 रुपीस कम खर्च करके Oppo A79 5G को लेना सही रहेगा, जानने के लिए आज के इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोनों स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जिस तरह इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में डिफरेंस देखने को मिल जाता है, उसी तरह इन दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस में भी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। क्योंकि एक तरफ वीवो के Y200 5G में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ ओप्पो A79 5G में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6020 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर तो स्कोर की बात करी जाए तो उसमें भी थोड़ा आगे निकल जाता है Vivo का Y200 5G, क्योंकि Vivo Y200 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 4,19,000 निकल के आता है, वही दूसरी तरफ Oppo A79 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 4,07,000 निकल के आता है। तो एक बात तो क्लियर होगी, इन दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस में इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, पर इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस को अगर देखा जाए तो इस प्राइस में दोनों स्मार्टफोन परफॉर्मेंस के मामले में इतने भी ज्यादा बेस्ट नहीं है। स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो डिस्प्ले के मामले में बेटर हो जाता है Vivo का Y200 5G, क्योंकि Vivo के Y200 5G में 6.67 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ Oppo A79 5G में 6.72 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए सिर्फ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए, जिस तरह डिस्प्ले के मामले में बेटर हो जाता है Vivo का Y200 5G, उसी तरह कैमरे के मामले में भी काफी ज्यादा बेटर हो जाता है Vivo का Y200 5G, क्योंकि Vivo के Y200 5G के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 64 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर F1.79 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विथ LED फ्लैश लाइट के साथ, और कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Oppo A79 5G के भी बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर F1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ, पर कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। सेल्फी कैमरे की अगर बात करी जाए तो सेल्फी के मामले में भी क्लियर विनर निकल के आता है Vivo का Y200 5G, क्योंकि Vivo के Y200 5G में 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर F2.0 अपर्चर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Oppo A79 5G में सिर्फ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर F2.0 अपर्चर देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर ऑडियो जैक की बात करी जाए तो Oppo A79 5G में 3.5mm जैक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जबकि Vivo के Y200 5G में 3.5mm जैक का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। बैटरी सेगमेंट का अगर बात करी जाए तो Oppo A79 5G में 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 33 वाट के सुपर वोक चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Vivo के Y200 5G में 4800mAh की ही बैटरी देखने को मिल जाती है, 44 वाट के फ्लैश चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए Vivo के Y200 5G में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ Oppo A79 5G में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। Vivo Y200 5G का प्राइस 2000 रुपीस ज्यादा, पर ये स्मार्टफोन हर मामले में Oppo A79 5G से बेटर हो जाता है। तो अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को लेने का मन बना रहे हो, कंफ्यूज हो कि कौन सा स्मार्टफोन लेना सही रहेगा, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग 2000 रुपीस ज्यादा खर्च करके Vivo के Y200 5G को ही बाय करें।